हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एनाटॉमी ऑफ पटेला बोन यानी ऑस्टियोलॉजी ऑफ पटेला बोन। तो मैं आपको आज की इस वीडियो में रियल पटेला के ऊपर बताऊंगा, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसका साइज डिटर्मिनेशन कैसे करना है बहुत इजी तरीके से, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको फीचर्स बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली सारी बोन्स की और एनाटॉमी के लेक्चर्स की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पटेला का फीचर्स। तो देखो पटेला जो है इट इज़ ए ट्राइंगुलर सिस्मॉइड बोन, ठीक है। सिस्मॉइड बोन क्योंकि बोलते हैं, इसको सिस्मॉइड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इट इज़ एम्बेडेड इनसाइड दी टेंडन ऑफ द क्वाड्रिसेप्स मसल, यानी मसल्स के टेंडन के बीच में यानी अंदर जो है एम्बेडेड रहता है, मतलब फंसा रहता है, तो इसलिए इसको सिस्मॉइड बोन बोलते हैं, ट्राइंगुलर बोन है ये, ठीक है। अब इसके मैं आपको फीचर्स बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये ट्राइंगुलर बोन है, तो इसमें ट्राइंगुलर कोई भी बोन होती है तो उसमें एक अपेक्स बनता है और एक बेस बनता है। तो देखो इसमें आप देख पा रहे होंगे, तो ये ऊपर हमें अपेक्स इसका बेस दिख रहा है, ठीक है। तो देखो ये बेस दिख रहा है इसका, ठीक है, और ये अपेक्स दिख रहा है, तो ये अपेक्स हो गया। अब इसमें एक बेस और एक अपेक्स, अब दो सरफेस होते हैं इसमें, टू सरफेस, इट हैज टू सरफेस, एंटीरियर रफ सरफेस एंड पोस्टीरियर स्मूथ सरफेस। तो देखो आप क्लियरली देख पाएंगे, ये रफ सरफेस जो स्किन के नीचे रहता है पूरा, और ये स्मूथ वाला जो सरफेस दिख रहा है जो आर्टिकुलर सरफेस है, जो कि आके फीमर पे ऐसे जुड़ा रहता है नी जॉइंट के सामने, ठीक है, कॉन्डाइल्स के आगे। तो ये आर्टिकुलर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस हो गया, तो स्मूथ वाला पोस्टीरियर सरफेस और रफ वाला एंटीरियर सरफेस। अब होता क्या है कि किसी किसी बोन में इसका अपेक्स और बेस बड़ा दिक्कत आती है निकालने में। तो देखो मैंने जो बताया आपको पोस्टीरियर सरफेस होता है, ये पोस्टर सरफेस में दो पार्ट रहते हैं, अपर पार्ट आर्टिकुलर यानी स्मूथ और लोअर पार्ट रफ रहता है। तो देखो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा पोस्टर सरफेस है ना। अब इसमें यहां से लेकर यहां तक तो आपको रफ स्मूथ पार्ट दिख रहा है, तो ये स्मूथ आर्टिकुलर पार्ट हो गया। अब इस वाले पॉइंट से जो नीचे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इतना, ये आपको रफ दिख रहा है, तो रफ वाला जो पार्ट रहता है इन्फीरियर में आता है, अपर स्मूथ लोअर रफ ऑन द पोस्टर सरफेस ऑफ पटेला। तो ये आपको, अब देखो ये जो पोस्टर सरफेस पर जो रफ वाला पार्ट है इसके नीचे आता अपेक्स, तो ये अपन को अपेक्स दिख रहा है, यानी अपेक्स ऐसे देखेंगे तो ये अपेक्स दिख रहा है। अगर नहीं, जैसे मान लो ये वॉली बोन है, अब इसमें अपेक्स आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा अपेक्स का है, तो सबसे पहले इसमें सरफेस देखो आप, दो सरफेस, एक एंटीरियर, तो ये सरफेस ब्रॉड वाला पार्ट ये सरफेस दिख रहा है, और एक हमें सरफेस ये दिख रहा है स्मूथ वाला, ठीक है। अब स्मूथ वाला सरफेस में नीचे वाला जो पार्ट रहता है वो उधर साइड में अपेक्स रहता है, रफ वाला पार्ट, तो देखो ऊपर तक ये तो पूरा जा रहा है स्मूथ पार्ट, तो ऊपर नीचे रफ है, तो ये अपेक्स हो गया, तो अपेक्स हो गया पटेला का, ठीक है। तो यानी इसमें तीन आपने में क्या क्या बताया, इसमें एक बेस और एक अपेक्स, तो अपेक्स नीचे आ गया। अगर अपेक्स ढूंढने में दिक्कत आ रही है तो पीछे वाला सरफेस देख लिया करो, स्मूथ वाला, उसके नीचे जो रफ पार्ट दिख रहा है वही अपेक्स होता है, तो इसके इधर अपेक्स हो गया। अब दो सरफेस हो गए, एंटीरियर सरफेस रफ, पोस्टीरियर सरफेस स्मूथ है ना, पोस्टीरियर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, अपर स्मूथ यानी आर्टिकुलर पार्ट एंड लोअर रफ यानी नॉन आर्टिकुलर पार्ट, ठीक है। इस पर आगे लिगामेंटम पटेले अटैच होता है रफ वाले पार्ट में, क्लियरली दिख रहा होगा आपको पीछे पोस्टीरियर सरफेस पर छोटा सा नीचे, है ना। अब बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस पर जो रफ स्मूथ वाला पार्ट है, इसमें ये जो स्मूथ पार्ट है ये इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय ये वर्टिकल रिज, यानी ऊपर से नीचे एक रिज है, एक लाइन सी दिख रही होगी आपको ये वाली, जैसे देखेंगे इसको तो हमें अगर जैसे देख पा रहे हैं तो ये बहुत आसानी से दिख पा रही है, ये वाली रिज दिख रही है ऊपर ऊपर से नीचे इस टाइप से, ठीक है। तो ये वर्टिकल जो रिज है यानी अगर देखेंगे ये वाला, तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक मीडियल पार्ट और एक लेटरल पार्ट। तो जो लेटरल पार्ट होता है वर्टिकल रिज के, जो लेटरल वाला पार्ट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो बड़ा होता है, लार्ज लेटरल और स्मॉल मीडियल, ठीक है। तो ये स्मॉल यानी ये वर्टिकल रिज, इसके इस साइड में स्मॉल मीडियल पार्ट और ये लार्ज वाला लेटरल पार्ट, ठीक है। अब दूसरा बोन देखते हैं, इसमें देखिए इसमें और अच्छी वर्टिकल रिज दिख रही है, आई होप आपको दिख रही होगी, ये दिख रही है ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये वर्टिकल रिज, वर्टिकल रिज के जो बाहर वाला पार्ट है ये लार्ज लेटरल और जो छोटा वाला पार्ट वो मीडियल यानी रहेगा इसमें स्मूथ पार्ट जो है, ठीक है। यानी स्मूथ पार्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, लार्ज लेटरल और स्मॉल मीडियल, इसके नीचे फिर नॉन आर्टिकुलर पार्ट या अपेक्स वाला पार्ट हो जाता है ना। तो इस टाइप से आपने दो सरफेस और इसमें बेस और अपेक्स। अब बात करें इसके बॉर्डर की, तो इट हैज थ्री बॉर्डर्स, यानी थ्री बॉर्डर में कौन सा, एक सुपीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर जिसको अपन बेस बोल लेते हैं ऊपर साइड में जो आ रहा है, ठीक है, सुपीरियर बॉर्डर। फिर एक ये वाला आ रहा है, ये मान लो अब एक लेटरल होता है एक मीडियल, तो लेटरल मीडियल कैसे पता लगाएंगे आप, ये वाला सरफेस देख रहे हो लार्ज लेटरल वाला, तो जो लार्ज लेटरल है तो इसके साइड वाला ये लेटरल बॉर्डर बन जाएगा पूरा, और ये वाला मीडियल, तो हमें मालूम है कि ये लेटरल बॉर्डर है, तो मतलब ये वाला इधर लेटरल बॉर्डर हो गया, मतलब लेटरल साइड है तो लेटरल बॉर्डर हो गया पूरा, ठीक है। और जो इधर वाला साइड देखेंगे अपन, तो ये मीडियल बॉर्डर हो गया, ये मीडियल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर, ये अपेक्स, ये बेस, ठीक है। इस वाली बोन में देखें, इसमें भी यही है, इसमें यानी एक अपेक्स, यानी अपेक्स आता है नीचे और बेस ऊपर,
दो सरफेस, एंटीरियर सरफेस रफ और पोस्टियर सरफेस स्मूथ। अब स्मूथ वाला लार्ज लेटरल वाला पार्ट इसमें आ जाएगा वर्टिकल रिज से, और मीडियल छोटा वाला। तो इसमें वर्टिकल रिज आपको आसानी से दिख पा रही होगी, आई होप के देखो ये वाला ये वर्टिकल रिज दिख रही है, बड़ी आसानी से दिख जाती है उसके जो एक साइड बड़ा वाला पार्ट एक साइड छोटा, तो लार्ज लेटरल स्मॉल मीडियल। और इसके नीचे जो नॉन आर्टिकुलर पार्ट है ये हो गया आपका कौन सा अपेक्स। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गए हैं इसके फीचर्स, इस टाइप से आप कर सकते हैं, यानी इस टाइप से रखेंगे इसमें तो आपको दिख रहे होंगे सारा इसमें ये अपेक्स, ये बेस ऊपर, ठीक है ऊपर बेस नीचे अपेक्स, ठीक है ये वाले दिख रहे हैं। और ये स्मूथ वाला पार्ट अगर देखेंगे रफ वाला पार्ट एंटीरियर सरफेस, और इसके जो पीछे वाला स्मूथ वो पोस्टियर सरफेस। तो चलिए अब इसके हम बाद में बात करते हैं इसका साइड डिटर्मिनेशन। तो साइड डिटर्मिनेशन बहुत आसान है, मैं आपको समझाता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ साइड डिटर्मिनेशन ऑफ पटेला, यानी साइड डिटर्मिनेशन ऑफ पटेला का एग्जाम में बहुत यूज है, यानी एक्सटर्नल एग्जाम, यानी आपका प्रैक्टिकल वाइवा जब होगा तो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको बोलेंगे कि इसका साइड डिटर्मिनेशन करो, यानी साइड डिटर्मिनेशन करो पटेला की। तो देखो बहुत आसान है इसका साइड डिटर्मिनेशन करना पटेला में, जैसा कि मैंने अभी आपको फीचर्स में बताया था कि इट इज ट्रायंगुलर इन शेप, यानी ट्रायंगुलर शेप की बोन है, ठीक है। अब जब ट्रायंगुलर शेप की एंड फ्लैट एंड है ये, ठीक है, तो फ्लैट एंड है तो इसमें सरफेस वगैरह हो गए। तो देखो इसमें साइड डिटर्मिनेशन करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि इसमें जो बेस है, बेस मतलब ये जो बेस दिख रहा है आपको, यानी ट्रायंगुलर शेप का बोन है, तो ये जो बेस है ये ऊपर रखना है और जो अपेक्स है वो नीचे साइड में रखना है, ठीक है, बेस ऊपर अपेक्स नीचे। अब बेस ऊपर नीचे कर दिया आपने, अब उसके बाद में आपको मतलब वही वाला जैसे मैं हर बोन में आपको मैंने बताया है, हर बोन में मैं हर ऑस्ट्रोलॉजी मतलब जो भी बोन पढ़ाता हूँ उसमें साइड डिटर्मिनेशन में तीन पॉइंट बताता हूँ मैं। तीन पॉइंट क्या, ऊपर नीचे यानी एंटीरियर पीछे, सॉरी सुपीरियर इन्फीरियर पता लगाओ किसी भी बोन का, फिर एंटीरियर पोस्टियर पता लगाओ, फिर मीडियल लेटरल पता लगाओ, बस हो गया किसी भी बोन का साइड डिटर्मिनेशन। तीन पॉइंट याद रख लो, हर बोन के लिए काम आता है, जितने भी दो बोन्स होती हैं लेफ्ट राइट बाइलेटरल होती हैं उनमें सारी बोन्स में आपको ये तीन पॉइंट याद रखने होते हैं, एंटीरियर पोस्टियर, सुपीरियर इन्फीरियर और मीडियल लेटरल। अब इसमें कैसे करेंगे आप, अब इसमें सुपीरियर इन्फीरियर करना है आपको, तो जो मैंने बताया था कि ये ट्रायंगुलर शेप की बोन है तो जो इसका बेस दिख रहा है, यानी आपको बेस दिख रहा होगा, यानी मुझे बेस ये दिख रहा है, तो बेस ऊपर रख दिया अपेक्स नीचे, तो पहला ऊपर नीचे वाला हो गया सुपीरियर इन्फीरियर, ठीक है, अभी बस साइड नहीं पता चला अपन को। फिर दूसरा पॉइंट है इसका कि इसमें आपको जो है अब एंटीरियर और पोस्टियर पता लगाना है, तो एंटीरियर पोस्टियर में सरफेस होते हैं इसमें, एक एंटीरियर सरफेस जो कि रफ होता है, पोस्टियर सरफेस जो कि स्मूथ होता है, आर्टिकुलर सरफेस होता है जो कि फीमर से आके आर्टिकुलेट होता है, ठीक है, नी जॉइंट के सामने। तो अब इसमें आप लोग देखोगे तो देखो इसमें दो सरफेस, एक तो हमें सरफेस ये ब्रॉड वाला सरफेस दिख रहा है और एक सरफेस ये दिख रहा है ना, तो देखो ये एक सरफेस ये दिख रहा है और दूसरा सरफेस ये दिख रहा है। तो अब इसमें पता लगाना है आपको कि आर्टिकुलर सरफेस कौन सा है, मतलब स्मूथ वाला कौन सा है। तो आपको मालूम है जैसे नी जॉइंट बनता है तो ये जो पटेला सबसे आगे रहता है, इस टाइप से आगे रखा रहता है फीमर पे, ठीक है, अब फीमर पे आगे रखा है तो ये इस पटेला का कौन सा सरफेस पीछे आएगा, ये वाला, यानी जो आर्टिकुलर सरफेस है। तो इससे जो इसका जो स्मूथ वाला पार्ट है इसको पीछे रखना है, क्यों, क्योंकि जो इसका फीमर है, फीमर पे ये आगे, ये मान लो ये फीमर है ना, ये आगे से तो जुड़ा है, तो आगे से जुड़ा है तो इसका पोस्टियर सरफेस पीछे मतलब जो स्मूथ रहेगा, मतलब इस बोन का दो सरफेस है, एंटीरियर रफ रहेगा क्योंकि वो स्किन के नीचे आ रहा है, पोस्टियर वाला दूसरी बोन से जुड़ रहा है तो स्मूथ हो जाएगा। तो आप इस बोन में देख सकते हैं जैसे ये आपको स्मूथ दिख रहा है, ठीक है, एक सरफेस है पूरा ये स्मूथ दिख रहा है और दूसरा सरफेस ये दिख रहा है, ये रफ दिख रहा है, तो रफ वाला आगे और जो स्मूथ वाला है वो पीछे, यानी ये स्मूथ पीछे। तो हमने क्या किया, इसको स्मूथ वाले को पीछे कर दिया, हो गया, तो ऊपर नीचे आगे पीछे हो गया। अब हमें क्या पता लगाना है, मीडियल और लेटरल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मीडियल लेटरल का पता लगाने का सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो इसका आर्टिकुलर सरफेस है मतलब पोस्टियर सरफेस में जो स्मूथ वाला पार्ट है उसमें दो पार्ट होते हैं, यानी जो स्मूथ वाला पार्ट इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट बाय ए वर्टिकल रिज, यानी एक वर्टिकल रिज मतलब एक लाइन होती है जिससे ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें ये जो स्मूथ वाला पार्ट है इसमें एक ऊपर से नीचे एक लाइन बनी हुई है, ये वाली दिख रही है आपको, ये वाली लाइन ऊपर से नीचे। अब इस लाइन के एक पार्ट इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया, ठीक है, तो जो लाइन के एक पार्ट इधर एक पार्ट उधर हुआ तो जो लार्ज लेटरल मतलब जो बड़ा वाला पार्ट है वो लेटरल साइड में रहेगा और जो छोटा वाला पार्ट है वो मीडियल में। तो देखो ये मैंने एक वर्टिकल रिज दिखाई, अब इस वर्टिकल रिज के बाद में ये बहुत बड़ा पार्ट दिख रहा है, आप देखेंगे तो दिखेगा आपको, ये बड़ा पार्ट दिख रहा है और ये स्मूथ वाला पार्ट, ये मतलब वर्टिकल रिज के एक लाइन के इधर छोटा दिख रहा है, तो जो स्मॉल वाला पार्ट है वो रहता है हमेशा मीडियल साइड में और जो बड़ा वाला पार्ट है वो लेटरल में। तो इसको लेटरल कर दो, छोटे को मीडियल कर दो, बड़े आसानी से पता लग जाएगा। अब वो तीनों पॉइंट करो, कैसे करेंगे, सुपीरियर इन्फीरियर ऊपर बेस नीचे अपेक्स, सुपीरियर इन्फीरियर पता लग गया, एंटीरियर पोस्टीरियर
आगे रफ और पीछे स्मूथ, एंटीरियर पोस्टर पता लग गया। अब अपन को देखना है कि इसका लार्ज लेटरल किधर है, मतलब जो लार्ज लेटरल वाला पार्ट है वो लार्ज होना चाहिए, स्मूथ वाला पार्ट। तो मुझे दिख रहा है ये वाला इधर वाला पार्ट इसका बड़ा है, तो ये मैंने लेटरल में रखना है, और स्मूथ वाला पार्ट छोटे है मीडियल में। तो मान लीजिए मैं इस साइड में पकड़ूँ इसको, तो भाई लार्ज तो इसका मीडियल में आ गया और छोटा वाला भाग तो गलत हो रहा है, जबकि लार्ज किधर होना चाहिए, मीडियल लेटरल में। तो अगर इस हाथ में पकड़ूंगा मैं, तो अब लेटरल चला गया लार्ज, तो ये किस साइड की होगी, लेफ्ट साइड की। इस टाइप से आप बोन का पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब दूसरी बोन का दिखाऊंगा आपको, इसमें भी देख सकते हो आप, इसमें भी अब अपेक्स बेस देखना है आपको, तो अपेक्स हमें दिख रहा है, ये नीचे अपेक्स दिख रहा है, ऊपर बेस दिख रहा है, ठीक है। अब एंटीरियर पोस्टर देखें तो ये एंटीरियर सर्फेस रफ वाला, और ये स्मूथ वाला पीछे वाला जो दिख रहा है पोस्टर सर्फेस दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद में एंटीरियर पोस्टर के बाद मीडियल लेटरल, तो देखो इसमें भी एक वर्टिकल रिज दिख रहा है पोस्टर सर्फेस पर, ये दिख रहा है इसके जो बड़ा वाला सर्फेस है वो लेटरल और छोटा वाला सर्फेस मीडियल। तो हमें पता चल गया ये लेटरल रखना है लार्ज वाला, ठीक है। तो अगर मान लो इस साइड में पकड़ूंगा, तो अब मैंने अगर इस साइड में पकड़ता हूँ तो बड़ा वाला मीडियल आ गया, छोटा वाला लेटरल चला गया पार्ट, जबकि लार्ज लेटरल होना चाहिए, मतलब जो स्मूथ वाला पार्ट है उसका लार्ज पार्ट वो लेटरल में, तो गलत हो रहा है इधर। अगर इधर पकड़ता हूँ तो लार्ज लेटरल जा रहा है, ठीक है। तो ये किस साइड की हो गई, राइट साइड की बोन, ठीक है। तो ये तो हो गया, आप देख के फीचर बता सकते हैं। अब एक इसका ट्रिक डिवाइस भी होता है, ट्रिक डिवाइस होता है मतलब इसको आपको क्या करना है कि एक फ्लैट सरफेस पर रखना होता है, ठीक है। फ्लैट सरफेस पर कैसे रखेंगे कि जो इसका अपेक्स है उसको तो सामने साइड में फॉरवर्ड पॉइंटेड कर दो, यानी अपेक्स सामने, और जो पोस्टर सरफेस है उसको नीचे जमीन पर रख दो, ठीक है, यानी फ्लैट टेबल पर रख दो। क्या करना है, पॉइंटेड जो अपेक्स सामने और जो स्मूथ वाला पार्ट वो नीचे। नीचे रखने के बाद जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, चलिए तो देखिए अभी मैंने ये पटेला क्या किया, जमीन पे यानी फ्लैट सरफेस पर रखा है। इसका मैंने अपेक्स क्या किया, जैसे कि बताया अपेक्स सामने कर दिया फॉरवर्ड, और जो इसका स्मूथ वाला पार्ट है वो नीचे कर दिया। अब अपन को क्या देखना है कि ये जो पटेला है किस साइड में टिल्ट कर रहा है, उसी साइड का बोन होगा। जैसे अब मैं देखूं तो ये इस साइड में टिल्ट कर रहा है, मेरा मतलब ये मेरी राइट साइड है, ये मेरा लेफ्ट साइड है, तो ये राइट साइड में टिल्ट कर रहा है, लेफ्ट में नहीं कर रहा है। यानी अगर मैं इसको सीधा रखूंगा तो ये इधर राइट साइड में गिर रहा है बार बार, ठीक है। तो राइट साइड में गिर रहा है, तो ये किस साइड का हो गया, राइट साइड का। अब दूसरा पटेला देखते हैं, ये वाला देखो, इसमें भी अपेक्स मैंने सामने किया और जो स्मूथ वाला पार्ट वो नीचे कर दिया, तो अपेक्स सामने और स्मूथ वाला पार्ट नीचे, रब वाला ऊपर। अब देखो ये किस साइड में गिर रहा है, ये इस साइड में गिर रहा है, यानी मेरी ये लेफ्ट साइड है। तो देखो राइट में इसको मैं राइट में करूंगा, अपने आप लेफ्ट में आगे गिर रहा है, ठीक है। तो ये किस साइड का हो गया, लेफ्ट साइड का, ठीक है। अब तीसरा पटेला देखते हैं, इसमें भी देखेंगे अब कि इसमें जो अपेक्स इसका, ये अपेक्स सामने और जो स्मूथ वाला पार्ट नीचे कर दिया, तो मैंने रख दिया जैसे। अब ये किस साइड में झुक रहा है, अपन को दिख रहा है राइट साइड में, क्योंकि मेरी ये राइट साइड है, ठीक है। तो देखो इधर से मैं लेफ्ट से दबाऊंगा तो अपने आप राइट में गिर रहा है, ठीक है। तो ये किस साइड का हो गया, राइट साइड का। तो इस टाइप से आप जितने भी पटेला हैं उनका सारे पटेला का पता लगा सकते हैं। तो आपको इस तरीके से पटेला का साइड डिटर्मिनेशन समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि आपको पूरा पटेला समझ में आ गया, जिसमें मैंने आपको फीचर्स बता दिए पटेला के और साइड डिटर्मिनेशन कर दिया। तो इसी तरीके से आप बड़ी आसानी से एग्जामिनर को अपने वाइवा एग्जाम में बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि पटेला किस साइड का है। तो आई होप आपको पूरा पटेला समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगे और आने वाली एनाटॉमी की वीडियोस के बारे में पूरा नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए बेल आइकन भी दबाएं। थैंक यू।